यूपी के जनपद हरदोई में विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत पिपरी में मंगलवार को भारतीय किसान मजदूर यूनियन दसरी संगठन की तरफ से स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लगभग क्षेत्रीय 1000 किसानों ने भाग लिया। आपको बताते चले कि इस स्वागत समारोह कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरदोई पुनीत मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत पिपरी के किसानों ने कई समस्याओं, बिजली, शौचालय, आवास, राशन, सड़क, चक्रोड मार्ग, पेंशन आदि समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इन सारी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेकर जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने किसानों को आश्वासन देते हुए बताया कि इनमें से जो भी समस्याएं तत्काल हल कराया जाएगा, बाकी जो चक्रोड सड़क मार्ग ऐसी समस्याएं हैं उनको भी लगभग 8 महीने के अंतराल में निस्तारण कराया जाएगा। वहीं लखनऊ से चलकर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी का संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ी गर्मजोशी से फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि इस संगठन के निर्माण के बाद में पहली हरदोई आना हुआ है, जो आप लोगों का स्नेह प्यार मिला है, मैं उसका आभारी हूँ। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी आपके ग्राम पंचायत की समस्याएं हैं, जनपद में बैठे हमारे संगठन के पदाधिकारी समय से निस्तारण करवाएंगे। आप लोग संगठन में संगठित हो जाइए, हमारा संगठन आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उसको संगठन बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। यह संगठन हमारा नहीं है, ना ही किसी पदाधिकारी का। यह संगठन यहाँ पर बैठे जितनी माताएं, बहनें, किसान भाई बंधु लोग हैं, उन सबका है। देखिए पीयूष तिवारी की यह खास रिपोर्ट। आप सभी भाई जो दूर बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पैदल आ रहे हैं, कृपया करके आप हमारी बात मानिए। हम आपको बड़ा सा बार बार आपका निवेदन करते हैं, प्रांगण में आने का कष्ट करें, आ जाइए। आप लोग दादा बड़े बूढ़े दादा जो है यहाँ पे, आप आने का कष्ट करें। जोर से बोलो किसान एकता। पूरे 5 साल हो गए, 5 साल पूरे होने वाले हैं, उससे आप सवाल करिए वोट मांगने से पहले कि आपने वोट मांगने का काम किया था इन 5 सालों में, आपने क्या किया है उसका हमें पूरा लेखा जोखा दो, उसका जवाब देने का काम करो। पिछले बार 5 साल काम कर, उसके बाद फिर 2 साल हो गए, 7 साल हो गए, फिर सांसदों को जीते हुए उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास किया, क्या काम किया,